इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में महज दो हफ्ते में करीब 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हैं। लेकिन इतनी मौत के बावजूद इसे शुरू करवाने वाला इस्माइल हनिया कतर में सुरक्षित बैठा हुआ है। इस्माइल हनिया हमास का चीफ है, जो एक मछुआरे का बेटा है, जिसका जन्म अल शती रिफ्यूजी कैंप में 29 जनवरी 1962 को हुआ था, क्योंकि उसका परिवार 1948 में अरब इसराइल युद्ध में बेघर हो गया था। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इस्माइल हनिया ने 1987 में अरेबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था और कॉलेज से निकलते ही 1987 में आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिया था। इसी साल गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ हुए पहले विद्रोह में उसने हिस्सा लिया और पकड़े जाने पर गिरफ्तारी के बाद उसे 18 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। साल भर बाद प्रदर्शन करने पर उसे 6 महीने की जेल हुई। तीसरी बार हनिया को 1989 में गिरफ्तार किया गया तो वो 3 साल के लिए जेल भेजा गया। हनिया को 1992 में छोड़ा गया तो उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। साल भर बाद यहां से गाजा लौटने पर उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया, जहां उसने कई छात्रों को हमास में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। बाद में इस्माइल हानिया को उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। साल 2006 में हमास ने इस्माइल हानिया की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतेह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया को सरकार बनाने के लिए बुलाया और इस तरह वो प्रधानमंत्री बना। 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। जॉर्डन में हमास के समर्थन में उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। जॉर्डन में हमास के समर्थकों ने इसराइल के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया। रैली के दौरान जॉर्डन की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद जॉर्डन की पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और सीमा की ओर जाने वाली सभी सड़कों को भी बंद कर दिया। इसराइल के भीषण हमलों के बाद गाजा में तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिला, जिसके बाद गाजा के लोगों के लिए मिस्र ने मानवीय सहायता भेजी है। अनाज से लदे हुए सभी ट्रकों को गाजा में प्रवेश मिल गया है। पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीनी नागरिक रफा बॉर्डर खोलने की मांग बार बार कर रहे थे। आखिरकार उनकी मांग को सुन लिया गया और रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। इसराइल हमास के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए इसराइल ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द मिस्र और जॉर्डन छोड़ने की चेतावनी दी है। इसराइल का कहना है कि युद्ध से नाराज लोगों का सबसे पहला निशाना इसराइली यात्री ही होंगे। इसराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी दौरान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी फिलिस्तीन के समर्थन में श्रीनगर की सड़कों पर उतरी। फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लिए प्रदर्शन करती नजर आई। उन्होंने कहा, इसराइल फिलिस्तीन के हालात अत्यंत गंभीर हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है।